बांदा जनपद के बबेरू तहसील फरुख जिलाधिकारी के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से आए हुए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्या सुनाई तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर 5 सूत्री मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बबेरू तहसील के सभागार में आज शनिवार को उप जिलाधिकारी नमन मेहता के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या पर क्षेत्र से आए हुए फरियादियों ने जमीनी विवाद, अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज, सड़क, अन्ना जानवर, राशन कार्ड आदि विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुनाई हैं। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं किसानों के साथ तहसील पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र के किसानों की समस्याएं, अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज, सहकारी समितियों में किसानों को भरपूर खाद उपलब्ध कराने, जिन गौशालाओं में जल भराव व कीचड़ है वहाँ पर गोवंशों के बैठने की व्यवस्था ठीक कराई जाए, जल जीवन मिशन के द्वारा डाली गई पाइपलाइन से खराब रास्तों को तुरंत ठीक कराने एवं सड़कों के किनारे से गिट्टी, ईंटा, बालू का अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उप जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपकर 1 सप्ताह के अंदर जांच करके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन पर तहसीलदार लखनलाल राजपूत, नायक तहसीलदार मनोहर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। ज्ञापन दिए हैं, किस समस्या को लेकर दिया गया है? हमने किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर के 5 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय बबेरू को सौंपा है, जिसमें गौशालाओं में जल भराव होने के कारण गौवंशों को रहने और बैठने में दिक्कत हो रही है, जिससे गौवंश मर रहे हैं। तो उनकी व्यवस्था करा करके गौशालाओं में गौवंशों को सुरक्षित कराया जाए। सहकारी समितियों में तहसील के समस्त उर्वरक, सब यूरिया और DAP उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसानों को दिक्कत ना आए। धान की रोपाई का काम खत्म हो गया है, किसानों को यूरिया की ज़रूरत है। और लो वोल्टेज के चलते डिसंडा फीडर में रोज दिन में लो वोल्टेज रहता है और रात में वोल्टेज ठीक होता है, जिससे समरसेबुल या किसानों के नलकूप की मोटरें जलने की ज़्यादा संभावना है। और चौथा है हमारा तहसील के अंतर्गत जल जीवन मिशन में जो भी खरंजा और CC को उखाड़ करके रास्ता खराब किया गया है, ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको ठीक करा करके और गांव ग्रामीणों के समस्या का समाधान कराया जाए। पांचवा हमारा सड़कों में आवारा पशु और सड़कों के किनारे जो ईंटा, गिट्टी, बालू ट्रेडर्सों के द्वारा रख करके, जिसमें क्रॉसिंग में ओवरटेक को लेकर के आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, इनको हटा करके और जो सड़कों में आवारा गोवंश घूम रहे हैं उनको गौशालाओं में सुरक्षित कराने का काम किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम उप जिलाधिकारी बबेरू के अधिकारियों को द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया है कि हम इनको ठीक करा करके निर्देश जारी करके समस्याओं का समाधान करते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अवधेश सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत बांदा।